हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज के रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों कुंदरू का भुजिया। तो आए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने आधा किलो कुंदरू लिया है दोस्तों। इसको मैंने अच्छे से धो के रख लिया है प्लेट में, और साथ में मैंने एक बड़ा साइज प्याज ली हूँ, चार हरी मिर्च और ये चार पाँच लहसुन के कलियाँ। अब इन सबको हम काट लेते हैं बारीक बारीक चॉप करके, और इस कुंदरू को हम ये साइड से इधर से भी साफ करेंगे इधर से भी, और इसको चार भाग में कट करके हम सभी कुंदरू को रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है। अब इसको हम कुछ इस तरह से इसका साइड साइड से काट के साइड में रखेंगे, और इसको एक बार बीच के हिस्से में लगाएंगे साइड के। देखिए कुछ इस तरह से हमें इसको चार भाग में काट के रख लेना है। ताजा कुंदरू है, पूरा फ्रेश है। अब सभी कुंदरू को इस तरह से हम काट कर रख लेंगे। गैस को हम कर लेते हैं वन, और यहाँ पर रख देते हैं कढ़ाई को। गैस पर बैठा दिया इसको गर्म होने के लिए, तब तक हम रख देते हैं। मैंने कुंदरू को काट लिया है, और साथ में यहाँ पर मैं प्याज को थोड़ा मोटा मोटा काटा है। ये देखिए प्याज को भी काट लिया। हरी मिर्च को मैंने दो भाग में काट लिया बड़े बड़े पीसेस में। लहसुन की कलियों को भी मैंने काट के रख लिया है। इधर हमारा कढ़ाई गर्म हो गया, तो इसके अंदर हम तेल डाल देते हैं। अब इसके अंदर हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। आपको जो ऑयल पसंद है दोस्तों आप वो डालें। अब इसको गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हम डाल देते हैं जीरा एक चम्मच, साथ में यहाँ डाल रही मैं सरसों, अब ये दोनों अच्छे तरह से चटक गया है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं ये साबुत लाल मिर्च ली थी चार, अब इसको भी दो भाग में तोड़ के अब इसको भी डाल देंगे, और साथ में यहाँ लहसुन के कलियाँ। कटा हुआ प्याज अब से एक मिनट तक हम चलाते हुए भून देंगे अच्छे से। हमारा एक मिनट हो गया है, हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं कटा हुआ कुंदरू, इसको भी हम चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। इसको भी हम एक मिनट तक भून लेंगे तेज आंच में। इसको हमें चलाते हुए भूनना पड़ेगा, नहीं तो कढ़ाई में चिपक जाएगा, ये जल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी इसको हम चला के एक बार इसको ढक देंगे, और आंच को कर देंगे मीडियम आंच में। ये तब तक हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। दो से तीन मिनट तक इसको मीडियम आंच में हमें पका लेना है, तब तक हमारा ये कुंदरू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। अब इसका ढक्कन निकालते हैं। और उसको हम आंच को तेज कर लेंगे, और यहाँ पर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डेढ़ चम्मच, इसको हम चला लेंगे पहले। नमक मैंने डाल दिया, और फिर इसको मैं एक दो मिनट तक ढक लूंगी, और आंच को मीडियम में कर दूंगी। हम इसका ढक्कन हटा लेते हैं, आंच को तेज कर देंगे, और इसको चलाता है अच्छे से हम भूनेंगे। देखिए हमारा बहुत ही अच्छा कुंदरू सॉफ्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर डेढ़ चम्मच, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स पाउडर है तुलसी वाली, काली मिर्च पाउडर
आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक हमने इसमें ऐड कर दिया स्वाद अनुसार, और इसको अच्छे से हम चला कर भून लेंगे। आज को मैंने मीडियम में कर दिया है और साथ में यहाँ पर डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली नहीं है दोस्तों, इसको भी चलाकर भी मिला लेंगे। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आमचूर पाउडर आधा चम्मच, आमचूर पाउडर, और सबको अच्छे से हम चला रहे हैं। अब इसको हम ढक के 5 से 7 मिनट तक हम इसको पूरा धीमी आंच में इसको हम पका लेंगे। आंच को मैंने धीमा कर दिया है। अब इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, इसको ढक्कन अच्छे से निकाल कर। फिर इसको हम चलाकर और ढक देंगे। पाँच छह मिनट हो गया है, अब इसको हम 1-2 मिनट तक और पका लेंगे। अब इसको हम ढकेंगे नहीं, आंच को थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसको खुला में अब हम पकाएंगे। 2 से 3 मिनट और पका लेंगे, उसके बाद हमारा ये कुंदरू का भुजिया तैयार हो जाएगा। हमारा कुंदरू की सब्जी तैयार हो गया दोस्तों, ये देखिए। इसको आप पराठे के साथ चाहे फुलके के साथ आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। अब हम इसमें हरी मिर्च को ऐड कर देते हैं और यहाँ पर मैं गरम मसाला डाल रही हूँ थोड़ा सा। अब इसको हम चला के फिर हम इसको ढक देंगे और हमारे ये सब्जी बनकर रेडी होंगे दोस्तों। मिर्ची मैं लास्ट में इसलिए डाल रही हूँ कि इसको मैं ज़्यादा पकाना नहीं है, ये सब्जी के अंदर सॉफ्ट हो जाएगा अच्छे से। बहुत कम समय में ये रेसिपी बनके तैयार होने वाला है ये सब्जी दोस्तों, तो ये सब्जी मेरी बनके तैयार होगी। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।